महाध्यान में मखन योगीवर रा हेड़ा खान बाबा जी को उनके भक्त भगवान शिव का अवतार मानते थे। उनके जन्म के बारे में कई तरह की मान्यताएं प्रचलित हैं। उनके शिष्यों का मानना है कि बाबा जी का जन्म किसी भी स्त्री के गर्भ से नहीं हुआ है, वो प्रकट हुए हैं। जून 1970 में गौतमा गंगा नदी के किनारे कुमायूं कैलाश पर्वत की तलहटी की एक गुफा में हेड़ा खान गाँव के निकट बाबा जी अवतरित हुए थे। सितंबर 1970 में बाबा जी लगातार 45 दिनों तक कुमाऊं कैलाश पर्वत की चोटी पर स्थित एक छोटे मंदिर में ध्यान में एक ही आसन पर बैठे रहे। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र के लोगों का मानना है कि हेड़ा खान बाबा महाअवतार बाबा जी महाराज के ही अवतार हैं, जो कि कई सौ सालों से कुमाऊं के क्षेत्रों में मनुष्य का शरीर लेकर प्रकट हो रहे हैं। लोगों का मानना है कि 1860 से लेकर 1922 जो हेड़ा खान बाबा जी कुमाऊं क्षेत्र में हुए, जिनको हरिया खान भी बोला जाता था, वो हेड़ा खान बाबा जी से पहले के अवतार थे। बाबा जी अपने पहले अवतार में भी हेड़ा खान बाबा जी के नाम से ही जाने जाते थे। बाबा जी इस अवतार के दौरान कुर्ता और टोपा पहना करते थे। बाबा जी के भक्त उस समय उनको अलग अलग नामों से पुकारा करते थे। कोई उन्हें महामुनीन्द्र महाराज, त्र्यंबक बाबा, शिव बाबा, महावतार बाबा, योगीराज, मृत्युंजय बाबा और उनके काफी भक्त उन्हें कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा और हनुमान जी के रूप में भी पूजा करते थे, क्योंकि सत्संग के समय बाबा जी महाभारत काल की बहुत सारी आंखों देखी घटनाएं अपने भक्तों को सुनाया करते थे। धीरे धीरे बाबा जी की ख्याति एक अमर संत के रूप में फैल गई। बाबा जी का जन्म चमत्कारों से भरा पड़ा था। सहसा प्रकट हो जाना, अदृश्य हो जाना, एक ही समय में कई जगह दर्शन देना, मृत को जीवन देना आदि चमत्कार उनके जीवन का हिस्सा थे। 1922 के बाद बाबा जी कहां अंतर्ध्यान हो गए, ये किसी को पता ही नहीं चला। समय समय पर बाबा जी अपने शिष्यों के सपने में आकर बताते रहे कि मैं फिर से मनुष्य के रूप में प्रकट होऊंगा। अपने दूसरे अवतार के दौरान जब बाबा जी 1970 में प्रकट हुए थे, बाबा जी ने अपने सभी भक्तों को पुरानी बातें याद दिलाईं। जिससे पहले हेड़ा खान बाबा के शिष्यों को यकीन हो गया कि ये ही हेड़ा खान बाबा हैं जिन्होंने नया अवतार लिया है। फिर भी कई सारे शिष्य इस बात का विरोध करने लगे। कुछ शिष्यों ने कहा कि ये कोई ठोंगी है जो हेड़ा खान आश्रम पर कब्जा करना चाहता है। पहले हेड़ा खान बाबा के शिष्य इस मामले को अदालत तक ले गए, लेकिन हेड़ा खान बाबा जी ने हल्द्वानी अदालत में जज के समक्ष अपने आप को हेड़ा खान सिद्ध करके दिखाया। हेड़ा खान बाबा जी ने हेड़ा खान के क्षेत्र में एक आश्रम और एक मंदिर का निर्माण करवाया और गौतमा नदी के पार गुफा के निकट जिसमें बाबा जी प्रकट हुए थे, वहां अलग अलग 9 देवियों के लिए 9 मंदिरों का निर्माण करवाया। हेड़ा खान बाबा जी ने अपने शिष्यों को सत्य, सरलता और प्रेम का पाठ पढ़ाया। बाबा जी ने आगे आने वाले समय को लेकर कई भविष्यवाणियां भी की। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में विश्व में काफी उथल पुथल होगी, प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, लोग आपस में मर मिटेंगे। बाबा जी आने वाले समय को लेकर कहते थे, अखर दत्ता न पेड़ रहेगा न पत्ता। बाबा जी के शिष्य ज्यादातर यूरोप के देशों से थे। काफी संख्या में भारतीय भी उनके दर्शन करने के लिए आया करते थे। शमी कपूर, प्रियंका चोपड़ा जैसी हस्तियों का नाम भी बाबा जी के शिष्यों में शामिल होता है। पूर्व के देशों में सनातन धर्म का झंडा फहराने
और अपने शिष्यों को सत्य, सरलता और प्रेम का पाठ पढ़ाने के बाद 14 फरवरी 1984 को ये दिव्य संत महासमाधि में लीन हो गया।